हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्टनरिंग पार्सल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग जो है टी सेक्शन और आई सेक्शन पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर पर आधारित है। तो जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल लिखा नहीं, फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक टी सेक्शन बना हुआ है, यानी कि टी काट बना हुआ है, जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। ऊपर वाला जो हमारा फ्लेंज वाला भाग है, वहाँ पे अगर हम लोग देखें उसका जो डायमेंशन है 40 mm और 10 mm का, और नीचे जो वेव वाला पार्ट है उसका डायमेंशन है 80 mm और 10 mm। ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग वेव बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो फ्लेंज वाले का डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें, फ्लेंज वाले का डायमेंशन है 40 × 10 का, और वेव का डायमेंशन है 80 × 10 का। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये बुक में इसी तरीके से यहाँ पे एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, यहाँ पे फिगर में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, ये फिगर हमारा जो है वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट देखें तो ये दो भागों में, दो बराबर भागों में डिवाइडेड, यानी कि वाई एक्स के प्रति क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि इसका गुरुत्व केंद्र जो होगा, जिस एक्सिस के अबाउट कोई भी सेक्शन सिमेट्रिक होता है, उस ऑब्जेक्ट का या उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र उसी एक्सिस पर होता है। जिस एक्सिस अबाउट सिमेट्रिक होगा उसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं गुरुत्व केंद्र मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे वाई एक्सिस के प्रति सिमेट्रिक है तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू 0 होगी, यानी एक्स बार क्या होता है, वो जो हमारा इस सेक्शन का वाई एक्सिस के प्रति गुरुत्व केंद्र की जो दूरी होगी, वाई एक्सिस से गुरुत्व केंद्र की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमारा वाई एक्सिस पे ही हमारा गुरुत्व केंद्र है। तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू 0। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लिए हैं कि चूंकि दिया गया टी काट वाई एक्सिस के प्रति सममित है, दिया गया टी काट वाई एक्सिस के प्रति सममित है, इसलिए एक्स बार की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पर अगर हम इसको हमने दो भागों में बांट लिया, नीचे वाले जो हमारा फ्लेंज वाला भाग है, सॉरी जो वेव वाला भाग है उसको हमने एक माना है, फ्लेंज वाले को दो माना है, तो माना भाग एक के गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक क्या है, 0, y1, क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र सारा का गुरुत्व केंद्र हमारा पूरे फिगर का गुरुत्व केंद्र वाई एक्सिस पे ही होगा, तो जो भाग एक है उसका भी गुरुत्व केंद्र वाई एक्सिस पे ही है, तो 0, y1 हो जाएगा गुरुत्व केंद्र। y1 क्या होगा, आपकी x एक्सिस से दूरी होगी, क्या होगी, x एक्सिस से दूरी होगी। ऐसे ही भाग दो के गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, y2 हो जाएगा, और दिए गए टी सेक्शन गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, 0, y बार होगा। अब हमको y बार की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो भाग, अब हम लोग जानते हैं फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, डेरिवेशन हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर भाग एक का क्षेत्रफल की बात करें तो 80 × 10 mm इसका डायमेंशन है, तो यहाँ पे देखें ये 80 है और ये 10 है, तो 80 × 10 यानी 800 mm² हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग फ्लेंज वाले की बात करेंगे, A2 का मान तो 40 × 10 होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन 40 × 10 का है, तो A2 आपका एरिया हो जाएगा, भाग दो का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 40 × 10 यानी 400 mm² है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप लोग क्लासेस एकदम अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग y1 की बात करें तो हम लोग जानते हैं जो आयत का गुरुत्व केंद्र होता है वो लंबाई और चौड़ाई का जो कटान बिंदु होते हैं, लंबाई चौड़ाई के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं जहाँ पे काटती हैं वही आपका गुरुत्व केंद्र होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पर फिगर में अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका है टोटल 80 mm दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग जानते हैं इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, 80 के आधे दूरी पर होगा, तो 80 का आधा है कितना हो जाएगा, 40, यानी कि जो आपका y1 दूरी होगा वो 80/2 के बराबर होगा, यानी ये दूरी कितना हो जाएगा, 40 mm के बराबर हो जाएगा, तो y1 का मान 40 आ जाएगा। अब y2 का मान, अब y2 का मान, अब इसका गुरुत्व केंद्र अगर हम लोग देखें, इसकी हाइट देखें, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट आपकी 10 है, तो यहाँ से इस आयत का जो ये आधार है भाग दो का, यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगा 5 mm होगा, और यहाँ से अगर एक्स एक्सिस से बात करते हैं ये दूरी कितनी है, 80, यानी 80 + 5 यानी 85 के बराबर हो जाएगा, तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 + 2/2 यानी कि 85 mm। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है वाई बार का, वाई बार बराबर फार्मूला होता है a1y1 + a2y2 / a1 + a2। तो यहाँ पर सारे वैल्यू हम लोग a1y1 a2y2 मतलब ये सारे वैल्यू हम अगर पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 55, यानी कि दिए गए टी काट का जो गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक होगा वो 0, 55 होगा। ऐसे हम लोग एक यल सेक्शन पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे एक यल सेक्शन दिखाया गया है, हम लोग देखें तो यहाँ पे एक यल सेक्शन दिखाया गया है जहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो आपका आयत है, इसका जो डायमेंशन है ये 40 × 10 mm का है, ऊपर वाला जो है यहाँ से आधार से 120 है और 10 है, यहाँ से आधार से 120 से, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं है, ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट है, ना तो वाई एक्सिस के अबाउट है,
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एक्सिस ध्यान से देखिएगा, एक्सिस एकदम ये जो आपका यल सेक्शन है एकदम पहले चतुर्थांश में स्थित है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो भाग ए के गुरुत्वाकर्षण का जो निर्देशांक होगा हमने मान लिया एक्स वन वाई वन, जैसे यहाँ पे हमने क्या मान लिया जी1 की वैल्यू मान लिया एक्स वन वाई वन। ऐसे भाग दो के गुरुत्वाकर्षण का निर्देशांक हमने क्या मान लिया एक्स टू वाई टू, और पूरे भाग के गुरुत्वाकर्षण निर्देशांक क्या मान लिया एक्स बार वाई बार। तो हमको एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग बात करें तो भाग एक का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारा ये है एल सेक्शन, इसको हमने यहाँ पे एक देखिए डॉटेड लाइन खींच दिया, तो यहाँ से नीचे वाला एक भाग हो गया, ऊपर वाला एक भाग हो जाएगा। जो ऊपर वाला ये भाग होगा तो इसकी यहाँ से लंबाई जो होगी अब ये 110 mm ही हो गई, ध्यान दीजिए कितना होगा 110 होगा। तो भाग एक नीचे वाला हमने माना है तो इसका डायमेंशन क्या है 40 और 10 है। तो भाग एक का क्षेत्रफल A1 का मान क्या होगा, A1 40 × 400 हो जाएगा, 400 mm स्क्वायर होगा। और A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 × 10, यानी कि A2 का मान हो जाएगा 1100 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A1 का मान कितना आ गया 400 mm स्क्वायर, और A2 का मान कितना आ गया 1100 mm स्क्वायर। हम लोग X1 Y1 और X2 Y2 का मान ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस फिगर में, ये पूरा आपका है यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ से वाई एक्सिस से ये दूरी कितनी है X1, ये आपका है टोटल 40। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा आधी दूरी पर होगा, तो 40 है, तो वाई एक्सिस से ये दूरी जो होगी इसके गुरुत्वाकर्षण की X1 का मान कितना होगा, ये दूरी जो होगी 40 mm होगी, यानी X1 बराबर आ गया 40 mm। ऐसे Y1 की बात करेंगे तो क्या होगा X एक्सिस से दूरी, तो Y1 क्या हो गया टोटल हाइट 10 है, तो Y1 जो ये होगा ये 5 दूरी पर होगा। तो X1 का मान 40 आ गया और Y1 का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा X1 का मान 20 होगा, X1 का मान क्या होगा, X1 का मान 20 है, टोटल दूरी 40 है, तो ये आधा कितना होगा 20 होगा, यहाँ पे गलती हमने 40 लिख दिया था। X1 का मान कितना होगा 20 होगा, और ये Y1 का मान कितना होगा, Y1 का मान हो गया 5, तो X1 का मान हो गया 20, X1 का मान हो गया 20 और Y1 का मान कितना हो गया 5 हो गया। और X2 Y2 हम लोग देख लेते हैं, अब X2 क्या होगा, अब X2 जो हो जाएगा वाई एक्सिस से दूरी, तो टोटल 10 है, तो X2 का मान हो जाएगा 5, क्योंकि टोटल 10 है, ये टोटल कितना है 10 है, तो वाई एक्सिस से दूरी कितना होगा X2 का मान 5 हो जाएगा, क्योंकि X क्या होता है वाई एक्सिस से दूरी। और Y2 का मान क्या होगा, अब देखिए हमने यहाँ से माना भाग दो, तो नीचे अगर हम लोग बात करें Y2 का मान, तो नीचे वाला तो हो गया 10 हम ऐड कर लेंगे, और प्लस यहाँ से अगर हम लोग इसकी हाइट देखेंगे 110, ये कितना है 110, 110 का आधा कितना होगा 55, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 55, तो 55 × 10 = 65, यानी X2 का मान 5 आ गया और Y2 का मान कितना आ गया 65, तो X2 का मान 5 आ गया और Y2 का मान कितना आ गया 65 आ गया। तो ये सारे वैल्यू X1 Y1 X2 Y2 और A1 A2 का मान हमने निकाल लिया। हम लोग फार्मूला जानते हैं एक्स बार बराबर क्या होता है A1 X1 प्लस A2 X2 अपान A1 प्लस A2, इसमें सारे वैल्यू हमने पुट करते हुए चला गया। अब इसका वैल्यू आ गया 9 mm आ गया, कितना mm आ गया 9 mm आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका 9 mm। ऐसे ही वाई बार की वैल्यू क्या हो जाएगा, फार्मूला A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपान A1 प्लस A2, तो वाई बार का मान के लिए हम लोग सारे वैल्यू पुट करेंगे, तो वाई बार का वैल्यू आ गया सॉल्व करने पे 49, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया गुरुत्वाकर्षण का निर्देशांक 9.49, तो दिए गए काट के गुरुत्वाकर्षण का निर्देशांक क्या हो जाएगा 9.49। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।